ब्रेक तो बाद खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी। एक बार फिर असी गल कर रहे हैं जिस तरह के नाल पीसीएस अफसर एसोसीएशन वालों 5 दिन की हड़ताल से सामूहिक हड़ताल से जाने का फैसला किया गया। तीजा दिन है लगातार इस लैके माहौल गरमाया रहा नजर आया, लेकिन हुण इस मामले के जो नवा मोड़ आया क्योंकि लगातार पीडीसी न्यूज ने इस खबर नशर किया, लोगों को खासी खज्जल खुआरी जी है वो चलनी पै रही थी और इसका असर हुण नजर आ रहा पीडीसी न्यूज की खबर का। सरकारी दफ्तर में लोगों की खज्जल खुआरी की जो प्रमुखता नाल खबर विखाई गई थी और इस तो लैके हुण सरकार ने आखिरकार सख्ती करन दा फैसला किया। तो दस दिए कि दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करन दा हुक्म जो है वो दिता गया सरकार वालों। इस पूरी हड़ताल नूं ही गैर कानूनी करार दिता गया अते पंजाब सरकार वालों ये साफ तौर पर अल्टीमेटम दिता गया कि जे अफसर अज ड्यूटी ते नहीं आउणगे 2 बजे तक तो फिर सस्पेंड उन्होंने कर दिता जाएगा। तो पंजाब सरकार ने हड़ताल नूं गैर कानूनी ऐलान दिता है। पीसीएस अफसर वालों आरटीए नरेंद्र तालीवाल की गिरफ्तारी का दस दिए कि विरोध किया जा रहा है जिसनों लैके ही सामूहिक 5 दिन की छुट्टी से जाने का उन्होंने फैसला किया, लेकिन इस सब विचकार इस टकराव के विचकार आम लोग कई दूर दराडे तो जड़े ने पहुंचते ने अपने कामकाज के लिए, उन्होंने कई तरह दियां परेशानियां होंदियां ने, लेकिन इत्थे जो दफ्तर ने उन्होंने ताला जड़िया होया जिसकी भी तस्वीर तुहानूं असीं लगातार पिछले 3 दिनों तो दिखा रहे थे कि किस तरह नाल इत्थे दफ्तर बंद ने, अफसर गैर हाजिर ने क्योंकि इस वेले हड़ताल से ने, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पै रहा जिन्हां विच भी रोस जड़ा है वह पाया जा रहा है। और अजे विचकार हालांकि मीटिंग जरूर हुई हड़ताली पीसीएस अधिकारियों से मुख्यमंत्री की, लेकिन यह बैठक बेसट्टा रही। गिरफ्तार आरटीए तालीवाल की तुरंत रिहाई की मंग से एसोसीएशन अड़ी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री ने हुण साफ किया कि जो भी भ्रष्टाचारी होएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी। तालीवाल से एफआईआर रद्द करने की समा जी है तय होवे, किसी भी विभाग में तैनात अफसर से कार्रवाई लिए विजिलेंस तय नियमों का पालन करे यह मांग की जा रही है। एसोसीएशन का कहना है कि साढ़े काम से वापस आने का फैसला हुण सरकार के हाथ में है। सो इत्थे सरकार के हाथ में होने की गल कही है कि वह चाहती है कि हड़ताल खत्म हो तो उन्होंने मंगा मनिया जान, लेकिन हुण सरकार ने मुख्यमंत्री ने इसको लैके सख्ती करन का फैसला किया है। अल्टीमेटम देता गया अज दोपहर 2 बजे तक का कि जे काम से अफसर वापस नहीं परतनगे तो फिर उन्होंने सस्पेंशन का सामना करना पवेगा। सो देखना होगा कि हुण सरकार की सख्ती क्या काम करेगी, क्या ये जड़े अफसर ने पीसीएस अफसर हड़ताल से चल रहे ने वो वापस काम से परतनगे या यह मामला होर गर्माएगा। इसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा क्योंकि हले जो पीसीएस ऑफिसर एसोसीएशन जो हड़ताल थे उन्होंने वालों किस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया कि वह फैसला लेंदे ने, यह देखना अहम रहेगा।